परंतु ये तो नहीं सोचा भी किसान को कैसे मजबूत करना, कैसे उसकी आय को दोगुना करना। अगर इसकी चिंता किसी ने की है, पहली बार अगर देश के अंदर इन 70 सालों के अंदर आजादी में अगर किसी ने किसान की बात करी तो वो प्रधानमंत्री जी ने कही कि हम 2022 तक किसान की आय को दोगुना करेंगे। और दोगुना कैसे करेंगे, जो ये भावांतर योजना भी लागू की है, खाद के रेट कम किए और भी उसकी फसल के दाम उसको दिए, 110 रुपया गेहूं का भी भाव दिया, गन्ने का भाव उसका बढ़ाया, और उसकी जैसे कोई उसके अंदर दवाई या कुछ और गिरना उसके अंदर सब्सिडी का काम सरकार करती है, और भावांतर योजना जो लागू की, ये पहली बार अगर किसी ने सोचा है तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एकमात्र ऐसी योजना जिसका अनुसरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा देश करेगा, ये एकमात्र ऐसी योजना भावांतर योजना कि जो किसान सब्जी का काम करता है, आलू उगाता है, प्याज उगाता है, गोभी उगाता है, और सब्जी ऐसा सिस्टम है कि अगर अपना ही लगा लो, नहीं नारायणगढ़ की अनाज मंडी में एक ट्रेली भी फालतू आएगी, 10 रुपए आया वो 5 रुपए पा देगा, रेट तो तय नहीं है, कोई 2 रुपए पे आ जाएगी, खर्चा उसका ज्यादा पड़ रहा है किसान का मंडी में लाने का, और वहां से जाएगा 1 रुपए किलो बेचनी पड़ती है। किसान सोचता है भी वही इसके अंदर 1 रुपए किलो का भी क्या करूंगा, इसको यहीं गेर के छोड़ के चला जाऊं, कोई ट्रॉली को गरीब घोड़ाई को गौशाला में छोड़ आता था, कोई कहीं कर देता था, उसको खुद खुद करना हुआ था, अभी इसका कोई लाभ तो है नुकसान होता था। परंतु जो भावांतर योजना लेकर के आए हैं, ये ऐसी योजना है उसका बेस प्राइस तय किया, टमाटर है, टमाटर उगाता है कि अगर उसका मिनिमम खर्चा जो पड़ता है, मान लिया जाए 5 रुपए पड़ता है, भी उस खर्चे के अंदर 5 रुपए तक उसको वहां खरीद भाव दिया जाएगा किसान। अगर वो मंडी के अंदर 2 रुपए चला जाता है, मान ले गोभी लेकर के गया, प्याज लेकर के, आलू लेकर के गया, टमाटर लेकर के गया, वहां उसका भाव चला गया 3 रुपए, खर्चा उसका आ रहा है 5 रुपए, तो सरकार उसको 3 रुपए की भरपाई वो सरकार की तरफ से होगी, उसका सारा सिस्टम तैयार कर दिया, 1 तारीख से आज से वो लागू हो गया। किसान को नुकसान न हो, ने बताया था कि आज तक 24 घंटे लाइट नहीं थी, किसने दिया, आप व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन पहली बार हरियाणा में हुआ, आज तक नहीं किसी ने किया, वर्किंग में आ गया। अगर किसी का नुकसान हो जाता है दुकानदार का, तो उसका भी सिस्टम है बनाया, उसकी भरपाई भी उसकी कमी सरकार की। हर किसान चाहता है कि मैं अपना गन्ना सुगर मिल में गेर का पहले सबसे पहला मैं अपने गेहूं बो दूं, ये सोच है ना किसान की, हम उसको कह तो नहीं सकते। सुगर मिल कह रहा है कि मेरी लिमिट है, मैं 42,000 गन्ना डेली क्रैश करता हूं, मैं 43,000 भी नहीं ले सकता, मैं 42,200 भी नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ जो मेरी लिमिट है 42,000 की उतना क्रैश करूंगा। गन्ना सबने गेरना है, पर्ची सबनु चाहिए, परंतु रोटेशन में यार हमने फिर भी उसका ये कहा कि जो छोटा किसान जिसके पास कम जमीन है और जिसके पास ज्यादा गन्ना है, ज्यादा गन्ने वाले को कम पर्ची दे दीजिए और छोटे वाले को पहले दे दीजिए, उसको न बैठ दीजिए, ताकि वो अपनी गेहूं बोले और रोड़ा भी कम पड़ेगा। इसके तो जी हम सुझाव दे सकते हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उस सिस्टम को जो सब आदमी ले रहे हैं, एक मिल के ना कैलेंडर पहुंच जा रही है किसान के पास, करवा लेंगे। हां जी ठीक है, वो इसके जानकारी देना चाहिए, इस टाइम पर्ची आएगी मेरे पास। उस रोज जी मैं फोन करया जी, मेरे पास 10 क्विंटल ही काट लाई थी उधर, मैं फोन करया जी, फिर 1 क्विंटल की डेढ़ की काट मंडी को आया, माचल टाइम तो वैसे ये सुझाव है आपका। हां जी ये हम इसको लिख करके भेज देना, तो बातचीत कर लेंगे बैठ करके, उसके अंदर उसको करवा लेंगे। ना किसान पेमेंट बताए दो, ये 100% की मिलेगी, कह सकते हैं
बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। किसान अगर अपना अनाज लेकर के मंडी में गया, आप लोगों ने तो देखा है कि अनाज जब मंडी में गिरा था किसान सड़क पर आ जाता कि मेरी बिक नहीं रही है, आवाता है नहीं आवाता। कोई भी व्यक्ति सरकार का नुमाइंदा मंडी में नहीं जाया कराता या जाता, अरे 3 साल से मैं स्वयं घूम रहे ना